लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को बल देने के लिए कई उप यात्राएं निकाली जा रही हैं। ऐसी ही एक उप यात्रा सिंगरौली से चली सीधी होकर रीवा के सीमा बदवार पहुंची, जहां रीवा के कांग्रेसियों ने यात्रा का स्वागत किया। सिंगरौली सीधी होते हुए भारत जोड़ो उप यात्रा पहुंची रीवा की सीमा बदवार में। रीवा के कांग्रेसियों ने सीधी के कांग्रेसियों से झंडा और भारत का संविधान लेकर सीधी की यात्रियों का स्वागत किया और यात्रा को आगे बढ़ाया। सिंगरौली से शुरू हुई भारत जोड़ो उप यात्रा सीधी जिले से होते हुए आज रीवा पहुंची, जहां रीवा के कांग्रेसियों ने भारी तादाद में पहुंचकर यात्रा का स्वागत किया और राष्ट्रीय ध्वज और भारत का संविधान अपने हाथ में लेते हुए रीवा के सीमा में यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है। भारत जोड़ो यात्रा की जिला समन्वयक कविता पांडे सहित जिले के सभी कांग्रेसी नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। कांग्रेस के लगभग सभी नेता आज गुड़ में मौजूद रहे, पूरी कांग्रेस एक दिखी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चल रही है। इसी तारतम्य में उप यात्रा भारत जोड़ो यात्रा विंध्य प्रदेश में भी निकाली जा रही थी, जो सिंगरौली से सीधी होकर आज रीवा पहुंची। रीवा के गुड़ प्लांट के पास यात्रा का स्वागत किया सीधी यात्रा समन्वयक ने। रीवा में यात्रा समन्वयक कविता पांडे को राष्ट्रध्वज सौंपा, साथ ही संविधान भी। उसके बाद रीवा के गुड़ से यात्रा का आगाज हुआ। इस दौरान जगह जगह पर सभा व गांधी चौपाल के कार्यक्रम आयोजित करने का भी कांग्रेसियों का प्लान है। 10 नवंबर को यह यात्रा रीवा नगर में प्रवेश कर सतना जिले की सीमा में पहुंचेगी, जहां सतना जिले के कांग्रेसी जन यात्रा का भव्य स्वागत कर भारतीय संविधान तथा तिरंगा ध्वज प्राप्त कर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस बारे में हमने सीधी और रीवा जिले की यात्रा के प्रभारी से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ये केवल कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। जिस तरह से देश में पिछले कुछ वर्षों से देश को विभाजन की ओर ले जाया जा रहा है, चाहे धर्म से धर्म का विभाजन हो, चाहे जात से जात का विभाजन हो, चाहे भाषाई विभाजन हो, इस समय नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। देश के बुद्धिजीवियों ने इकट्ठा होकर के राहुल गांधी से बात की कि आप आगे बढ़िए। राहुल गांधी से बात इसलिए की कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही थी और सब जानते हैं कि कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार दिलों में राज करता है इस देश के। बगैर कांग्रेस के इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। और राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा बुद्धिजीवियों के, इस देश के मनीषियों के, साहित्यकारों के, कलाकारों के कहने पे, उनकी सलाह पे ये निकाली है। ये यात्रा के लिए कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका इसमें बड़े भाई की अवश्य है, किंतु यह यात्रा नफरत को जो फैलाई जा रही थी उसको तोड़ने के लिए है। धार्मिक संप्रदाय पैदा किया जा रहा, उन्माद पैदा किया जा रहा था केवल वोट के लिए। बेरोजगारों की हालत यह है कि 14-15 साल से कई जगह ये निकालते नहीं, भर्ती निकालते नहीं, और अखबार में निकाल देते हैं कि तुम्हें 3 साल के लिए उम्र की छूट दी जाएगी। उम्र चुनाव सामने है, 8-9 महीने बाद चुनाव होने वाला है और 3 साल की उम्र में छूट दे रहे हैं बेरोजगार। देखिए थोड़ी बात और मेरी और सुन लीजिए। जब जब इस देश में परिवर्तन हुआ है युवकों ने किया है। इंदिरा गांधी की भी सत्ता को युवकों ने हलाया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, आज मोदी जी की भी सत्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में, युवक लोग ही परिवर्तित करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारे नेता राजीव गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को यात्रा प्रवेश कर रही है। उप यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में निकल रही है। सिंगरौली से 3 तारीख को निकली हुई उप यात्रा सीधी होते हुए रीवा जिले की सोलर पावर प्लांट के सामने आ गई है और हमने भारत का संविधान और झंडा अपने हाथ में थाम कर हम सब चल चुके हैं और इसका मूल उद्देश्य है नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, महंगाई से नाता तोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। आज रीवा जिले में 10,000 जनता
जनता सड़क पर उतरी हुई है और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और महिलाएं, पुरुष, बच्चे तक हमारी यात्रा में शामिल है और यात्रा 3 दिन चलेगी। कल पीसी शर्मा जी हमारी यात्रा का नेतृत्व करेंगे और हम नाइट हाल्ट भी करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे आज रात को गुड़ में, गांधी चौपाल होगा और लगातार 10 तारीख को सतना जिले की जो केमार बॉर्डर है वहाँ पर हम भारत का संविधान और झंडा सतना जिले के कार्यकर्ताओं को सौंपेंगे।